बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं फारूक ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। कोरल ड्रो 2019 की एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 से 4 ऐसे खूबसूरत फॉन्ट्स लाया हूँ जिसको यूज़ करके आप अपनी डिज़ाइनिंग में आसानी पैदा कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से और कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोरल ड्रॉ 2019 ओपन करके रखा है और यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल ले कर कुछ भी लिख लेता हूँ, ए बी सी डी वगैरह जो भी है लिख लिया। ये मैंने लिख लिया। अब जो है मैं इसके अंदर जो फाउंट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो फाउंट है ए जी ए अरब स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही आप इस फाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर्स आ गए आपके पास। इसी तरीके से अब अगर आप गौर करें तो मैंने जो है फाउंट यूज़ किए थे, एरियल का फाउंट लगाता हूँ इसमें, ये देखें ए बी सी जो है वो स्मॉल लेटर में। इसी तरीके से मैं इसको कर देता हूँ अपर केस में, ठीक है, कैपिटल लेटर में। अब इन दोनों को मैं फाउंट ए जी ए वाला लगाता हूँ तो ये देख ले, इन दोनों में अलग अलग वेक्टर्स आए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे वेक्टर्स लगा सकते हैं। और भी मेरे पास फाउंट से मैं इनकी डुप्लीकेट लेता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट लेके यहाँ पे मैं इनका फाउंट चेंज करता हूँ एसएल स्क्वायर्ड। ये इसमें मतलब जो है अपर केस में कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कोई और जेप्टन। ये देखें, ये वेक्टर से अब आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस पर आप क्लिक करें, पहले ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक आर्टिस्ट टेक्स्ट और इसकी कंट्रोल फॉर्म जो है वो है कंट्रोल के, ठीक है, कंट्रोल के। अब ये हो गया, अब आपने इसको सेलेक्ट करना है सिंपली और कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। ये राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, ठीक है। जैसे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे उसके बाद आपने इसको कर देना है कंट्रोल के से फिर से अलग, ठीक है। और अब इसके अंदर आप आराम से, ये हर चीज़ अलग अलग हो चुकी है, आप इसमें आराम से अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें मैं कर देता हूँ रेड, इसमें रेड, इसमें मैं कर देता हूँ येलो, येलो नज़र नहीं आ रहा, पिंक। इस तरीके से आप जो है हर इसमें जो है अलग अलग किस्म के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल के से इसको कर देता हूँ अलग, ठीक है, कन्वर्ट, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट और कंट्रोल के से अलग, फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एल से कम्बाइन। अब ये हो गया हमारे पास एक अलग लेयर, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग हो गए। इसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट, कंट्रोल के से सेपरेट और ये हो गए हमारे पास अलग अलग, ठीक है। ये देखिए, इनमें आप कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आप चाहें आराम से फिल कर सकते हैं, कोई टेंशन भी नहीं है। इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइनिंग को बहुत अच्छा जी। अब आप इसको एज अ वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के से इसको भी कन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल क्यू से इसको और फिर कंट्रोल के से इसको अलग करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया इस तरीके से, इसको जो है मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप एज अ वेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर वगैरह जो बनाने होते हैं उनके पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको कर देता हूँ कलर वाइज के लिए सेपरेट्स, कंट्रोल एल और इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल एल, ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं इन सब का कलर चेंज करता हूँ। पहले मैं इन आउटलाइंस का कलर ग्रीन 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 ग्रीन, जब उसके बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। अब ये यूज़ हो गया। अब इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा मैं, ठीक है, उसके बाद मैं अल्ट F7 प्रेस करूँगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा राइट हैंड साइड पे क्लिक, ठीक है, और यह वन कॉपी और अप्लाई करता जाऊँगा तो ये इसकी कॉपी होती जाएगी और ये जॉइंट होता जाएगा। इसी तरीके से ये हो गया, इन सबको मैं अलग रखता हूँ,
ठीक है। और नीचे इसको लेके आता हूँ यहाँ पर, इसकी डुप्लीकेट लेता जाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसी की डुप्लीकेट मैं ले जाता हूँ ऊपर, तो मैं सेलेक्ट करके ये हो गया डुप्लीकेट। यहाँ से मैं कॉपीज बढ़ा देता हूँ, 5 कॉपी एट अ टाइम करेगा ये, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, 5 कॉपी एट अ टाइम ये करेगा। उसके बाद फिर से मैं इसकी और ये इसकी जगह चेंज कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये इसको यहाँ ले आऊँगा। उसके बाद फिर इसको मैं नीचे ले आऊँगा, वो आपने अपने हिसाब से बॉर्डर सेट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, एक बॉर्डर बन गया। आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पहले ये होता था कि हम इसको इंटरनेट से उठाते थे और फिर डाउनलोड करते थे, उसको ट्रेस करते थे, कलर में फ़र्क आ जाते थे या डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ जाती थी थोड़ी सी, तो वो बहुत मसले। अब ये फाउंड से आप इनको सिंपली यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर में। अच्छा, अब आती है बात, इसको कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। तो मैंने, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये देखें डिस्क्रिप्शन में होता है डाउनलोड CDR फाइल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ होगा डाउनलोड फाउंड या और कुछ होगा। आपने उस आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरीके का पेज ओपन होगा, और इसके अंदर आप आ जाएंगे डाउनलोड पर। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मीडिया फायर का एक और न्यू पेज ओपन होगा, उसमें आपने कर देना है डाउनलोड पर क्लिक, और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल इसको डाउनलोड नहीं करता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है ये, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास जो फाउंड है, जब से ही आप इसको इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल या विनरार कह लें आप, ये फाइल आ जाएगी। आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर कर देना। जैसे ही आप इस एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, और ये जो पासवर्ड है वो है डेकोरेटिव फाउंड, DECORATIVEFONT, और इंटर कर देना है या ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो फिर आपके पास फाउंड्स और पासवर्ड का आएगा, ठीक है। फाउंड्स पे क्लिक करना है आपने और एक्सट्रैक्ट हियर करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो आपके पास फाउंड्स जितने भी है इसके अंदर 8 फाउंड्स है वो आ जाएंगे, ठीक। ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि हर डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, उम्मीद करता हूँ ये हर डिज़ाइनर के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद न्यू वीडियोस लाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।